घरों के बाहर खड़ी ट्रॉलियां चोरी करने वाले गैंग का दमोह पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के साथ चोरी की ट्रॉलियां भी बरामद कर ली है। बटियागढ़ पुलिस थाना के ग्राम तिरमुडा के किसान राघवेंद्र सिंह के घर के बाहर खड़ी ट्रॉली अज्ञात चोर चुरा ले गए, जिसकी रिपोर्ट पुलिस से की गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही इसी थाना क्षेत्र के निवासी प्यारेलाल गडरिया की भी ट्रॉली ठीक इसी प्रकार गायब हो गई। इसके बाद एक के बाद एक ट्रॉली चोरी होने की खबर से पुलिस ने टीम बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर बटियागढ़ के ग्राम पिपरिया चंद्र निवासी थान सिंह लोधी एवं विनोद लोधी को हिरासत में लिया गया, जिनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर जिला टीकमगढ़ में मोहनलाल राजपूत के पास से 3 ट्रॉलियां बरामद कर ली गईं। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए ASP विवेक लाल ने बताया कि 3 ट्रॉलियों की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए थी। तिरमुड़ा ग्राम है, यहाँ से रिपोर्ट आई थी कि इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। इसके संबंध में अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज करने के बाद इसके संबंध में पूछताछ चालू की गई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि धान सिंह लोधी एवं विनोद लोधी के द्वारा घटना कार्य की गई। ये हमारे उपग्रह ने बताया। फिर इसके अनुक्रम में हम आगे चले तो एक व्यक्ति और मिला जिसका नाम था जयदीप पिता मुन्ना लोधी, ये भी इसमें शरीक था। इस तरीके 3 व्यक्तियों को हमने पकड़ा और चोरी के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान हमारी जो हमारे यहाँ का मशरूका गया था वो तो मिल गया, इसके अलावा हमको 2 ट्रॉली और मिली और एक ट्रैक्टर और मिला जिसको हमने जब्त किया। इसके संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और PR लेकर के और पूछताछ की जा रही है। संभवतः हमें और खुलासों की संभावना है। लोगों ने आजू बाजू मैसेज कर दिया गया है और इसके संबंध में जो दूसरे वाहन इन्होंने या दूसरी चीज़ें चोरी की थी संबंध में जहाँ जहाँ थानों क्षेत्र में उनको सूचित अलग से किया जा रहा है। कुल कितने लाख का मशरूका जब्त किया गया? कुल लगभग 4-5 लाख के लगभग का भी जब्त हुआ है। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं वो किसका है ये आरोपियों ने नहीं बताया क्या? ये आरोपियों ने बताया लेकिन जब तक हम जस्टिफाई नहीं कर ले, क्लियरिफ नहीं कर ले दस्तावेजों के माध्यम से। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।